यहाँ से विच ऑफ द लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, जब कभी भी लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है मैं हमेशा यही बताता हूँ कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है अगर एलजेब्रिक फॉर्म में नहीं दिया है तो करने के दो तरीके हैं, बुलियन एक्सप्रेशन और एक है ट्रू टेबल। जो ट्रू टेबल से करता है वो थोड़ा हार्ड है यार, डिफिकल्ट काम है। तो हम प्यारे बच्चों काम करेंगे बुलियन एलजेब्रा से, बुलियन एलजेब्रा से इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ से देख रहे हो कौन सा गेट है, लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। इनका शकल हमें पहले से याद है, हमें पहले से पता है, इस शकल से हमें ये देखने से लगता है ये कौन किस टाइप का है, ठीक है। तो ये जो होता है अगर इसको इनपुट ए देते हो तो ये नॉट गेट है, तो ये जो नॉट गेट क्या करेगा, देखो ये नॉट गेट क्या करेगा, यहाँ से इसको इन्वर्ट करेगा, जो इनपुट ए आया तो ये नॉट गेट है और ये इन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से इनपुट जो बी आया वो इसको इन्वर्ट कर दिया ये, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या किया, ये इसको इनपुट ए बार मिला, इसको इनपुट बी बार मिला, अब ये क्या करेगा, ये सम करेगा और फिर इन्वर्ट करेगा, यहाँ पे सम करेगा तो ए बार प्लस बी बार सम करेगा, साथ साथ ये जो बिंदी है वो इन्वर्ट करेगा, दैट इज द आउटपुट। तो फाइनली जो आउटपुट आया वो आया ए बार प्लस बी बार और टोटल का बार, दिस इज द आउटपुट। ये आई होप कि समझ में आ गया होगा, फिर से समझने की कोशिश करो। ये क्या है, नॉट गेट है, बिंदी वाला जो है, और ट्रायंगल और बिंदी ये नॉट गेट है। तो ए को इन्वर्ट कर दिया, ये यहाँ से ए बार इनपुट आया, ये बी बार आया, बी को इन्वर्ट कर दिया, बी बार इनपुट आया। अगर ये बी बार आया प्यारे बच्चों यहाँ से, तो ये जो है शक्ल से लग रहा है और गेट है, तो ये ए बार और बी बार का सम करेगा, लेकिन ये जो बिंदी है ये इन्वर्टर का काम करता है, तो ये इन्वर्ट कर देगा। ये बिंदी कुछ नहीं है यार, ये इन्वर्ट नहीं करेगा, वो तो वैसे ही सजाने के लिए दिया गया है। तो ये यहाँ से ए बार और बी बार, अब इससे हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे एक लॉ होता है, डी मॉर्गन लॉ। एक बार इसको लॉ को समझा देता हूँ, याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल बता देता हूँ, तुम्हें कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि ए प्लस बी का टोटल का अगर बार हो, पहला ये है, तो ये अगर देखो टोटल का बार है और सम है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सम है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, और ये जो बार है जो टोटल का वो अलग अलग चला जाएगा। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर a मल्टीप्लाइड बाई बी टोटल का बार है तो प्रोडक्ट है तो ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो a प्लस बी आ जाएगा और ये जो टोटल का बार था वो अलग अलग हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है और इधर बहुत ज़्यादा यूज होगा, फिर से एक बार सुन लो। अगर सम है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बार अलग अलग चला जाएगा, अगर प्रोडक्ट है तो सम में कन्वर्ट हो जाएगा और बार अलग अलग चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, देखिए अभी यहाँ क्या है, ए प्लस बी का टोटल का सम है, बार है, तो इस लॉजिक से अगर मैं करूँगा, हाँ समझने की कोशिश करना, आप तुम्हें कभी नहीं भूलेगा ये। तो यहाँ से इस लॉजिक, ये वाला लॉजिक कौन वाला लगाओगे, ये वाला लगाओगे, ठीक है। ए प्लस बी का सम है, बार है अलग अलग, तो जो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो ए अलग अलग प्रोडक्ट ए डॉट बी बनेंगे, और ये तो पहले से बार चढ़ा था, और ये जो डबल बार, ये वाला जो बार है ये तो पहले से ये डबल बार है, तो इस पे डबल बार आ जाएगा ये, क्योंकि ये पहले से ही था यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम सबको पता है कि ए का किसी का डबल बार हो तो सिंपली वो ए होता है, मतलब वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो ए डॉट बी आ जाएगी, और ए डॉट बी कुछ नहीं है, ए डॉट बी एंड गेट है। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो एंड गेट मतलब ये कौन सा सही हुआ बोलो, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा पागलपन छाया हुआ दिमाग में, तो इनपुट डालो 010 डालो और ट्रू टेबल आपको याद होना चाहिए, तो ट्रू टेबल के याद हो तो उस हिसाब से इसको लगा सकते हैं। भाई एक टेबल बनाओ और 1 और 0, फिर 1 डालो, 0 डालो, 01 डालो, और ऐसे ट्रू टेबल, फिर फाइनली वो जो ट्रू टेबल हो किसके साथ मैच किया हो। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन।